हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो अपने चेस्ट का 14 लेते हैं, प्लस 2 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। देखिए, 11 इंच पर मैं कपड़े को फोल्ड कर ले रही हूँ और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कट कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अरे, डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हैं और एक ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम न्यूज़पेपर पर निकालेंगे। अगर आपका फैब्रिक अस्तर का 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर कटोरी निकाल सकते हैं। कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं मैं न्यूज़पेपर पर निकालूंगी। मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर पर ही फ्रंट पार्ट निकालती हूँ। तो देखिए, ये बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच की लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है न्यूज़पेपर के ऊपर। देखिए, ऐसी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें फ्रंट का नेक का मेजरमेंट लेना है, तो विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं फ्रंट की 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो 1 इंच छोड़ते हुए मैं 3 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बाद में हम बेल्ट का शेप देंगे, सबसे पहले कटोरी निकाल लेते हैं। तो 38 चेस्ट है हमारा, तो उसके हिसाब से कटोरी आएगी हमारी 5 इंच। सेंटर से 5 इंच आर्म होल की तरफ से मैंने ली है 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए पूरे डॉट को हमें ऐसे जोड़ लेना है। देखिए, छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब हमें बेल्ट का शेप देना है, तो 1 इंच सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, ऐसे बेल्ट का शेप दे देना है और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है न्यूज़पेपर। आर्म होल हम फ्रंट का, जो हमने फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दी है उसको ही कट करेंगे। देखिए, मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट करना है। अब फ्रंट के नेक की गोलाई भी हम कट कर लेते हैं। अब जो हमने बेल्ट की मार्किंग की है उसको भी अलग कर लेंगे। अब जो कटोरी हमारी छोटी निकल के आ रही है उसको ही कट कर लेते हैं। अब हम कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। तो साइड से कटोरी को थोड़ा छाट लेना है और कटोरी हम न्यूज़पेपर पर ही बढ़ाएंगे। देखिए, एक न्यूज़पेपर लेते हैं, जो हमने छोटी कटोरी निकली है हमारी उसको बराबर से रखते हुए एज इट इज उसकी मार्किंग कर लेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर। चारों साइड से उसको ड्रॉ कर लेना है। अब दोनों कॉर्नर से हमें 1.25 इंच सामने की तरफ लेते हुए, यहाँ से 1.25 इंच सामने की तरफ लेते हुए अब इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसे हमें डॉट को जोड़ लेना है। देखिए, अब सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हमें 1/2 इंच बढ़ाएंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड से सिलाई मार्जिन का हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है और कटोरी का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कटोरी को कट कर लेना है। देखिए, सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करेंगे। अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे।
बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग ही देखनी है, तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे सभी पार्ट को। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और एज इट इज जैसे हमने अस्तर के फैब्रिक की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें पूरी स्टिच कर लेनी है। अस्तर का फैब्रिक हमें न्यूज़पेपर के बराबर से ही कट करना है और मेन फैब्रिक हाफ इंच बढ़ाकर कट करेंगी। तो देखिए जैसे हमने अस्तर के फैब्रिक की भी कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं कटोरी के। अब साइड का पार्ट रेडी करेंगे तो साइड का पार्ट भी हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे बराबर से रखते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से प्रेस करते जाइएगा, अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे इसका ध्यान रखें। देखिए अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं, आमने सामने रखते हुए रेडी करेंगे। देखिए अब हमें बेल्ट रेडी करना है, तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे बेल्ट को। अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। आप फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों बेल्ट हमें रेडी कर लेने हैं दोनों साइड के। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे, तो सबसे पहले कटोरी का डार्ट दे देना है, तो दोनों कॉर्नर एक साथ जोड़ लेते हैं और सेंटर से हमें 1.25 इंच नीचे की तरफ से और लेंथ में रखा है मैंने 2.75 इंच ऐसे लेते हुए डार्ट की स्टिच दे देंगे। देखिए बराबर से रखते हुए डार्ट की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमें दोनों कटोरी रेडी कर लेंगे। अब इसको हमें साइड का पार्ट अटैच कर लेना है, तो साइड का पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा गले की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। नीचे से हमारा बेल्ट लगाने से पहले हम कम ज़्यादा हो तो उसको छाड़ सकते हैं, इसलिए नेक की तरफ से ही हमें अटैच कर लेना है कटोरी का पार्ट। देखिए नीचे से अब हमारा कम ज़्यादा हो तो हम छाट लेंगे और उसके बाद ही हम बेल्ट अटैच करेंगे। जो हमने बेल्ट रेडी करके रखा है उसको अटैच करना है, तो जो हमारा डार्ट का फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ डाल देंगे। डार्ट को अंदर की तरफ करते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है और सिलाई को पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए पक्की स्टिच कर लेते हैं। देखिए ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हमने कटोरी बढ़ाते वक्त हाफ इंच हाई हुक की पट्टी के लिए बढ़ाया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है हाई की। अब ऊपर से पट्टी को सीधा कर लेते हैं और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं और नेक रेडी करने से पहले हम दोनों पार्ट को हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो हम उसको नेक रेडी करने से पहले छाट लेंगे। अब तुरपाई का नेक रेडी करना है, तो मैंने तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए लॉक कर लेंगे स्टिच को। और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। ऐसे छोटे कट्स लगा लेते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी तुरपाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे।
देखिए पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट हम रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।